Hi there guys, welcome back to my channel and welcome to the series about University of Gujarat information. अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो hello, my name is Asma and I'm doing my bachelor in fine arts from University of Gujarat. मेरा second semester मेरा थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और मैं थर्ड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में और मैं पेंटिंग स्केचेस इन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट बनाती हूँ. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो नीचे जाओ, जो लाल कलर का बटन है उसे क्लिक कर दो और साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर देना. सो अब बात करते हैं आज के टॉपिक के हवाले से. आज का टॉपिक है एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू. एंट्री टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने एक वीडियो पिछले दिनों बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू, एंट्री टेस्ट का मैं भी प्रॉपर क्लियर कर दिया था आप लोगों को, लेकिन इंटरव्यू मैं क्लियर नहीं कर पाई थी, वीडियो ख़त्म हो गई और फिर नेक्स्ट वीडियो मैंने अपोलोजाइज भी कर लिया था इस बारे में. अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ और देख लो. बात करते हैं एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में. कुछ बातें हैं जो मैंने आपको क्लियर करनी है आर्किटेक्चर की फील्ड से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में किस तरह आर्किटेक्चर करवाया जा रहा है. और आप लोग अगर ये बात नहीं सोच रहे कि आप लोगों से किस तरह का काम करवाया जाएगा, आप सिंपली ये सोच रहे हो कि बिल्डिंग्स बनाना और बस इतना सा काम करना है, ये बातें मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ. सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चर में आपको किस तरह काम, आप किस तरह काम करते हो. यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर आप लोग स्टार्टिंग में आप एक फाउंडेशन ईयर को क्लियर करते हो जो सब डिपार्टमेंट का, यानी फाइन आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर का सेम होता है. एक पूरा साल आप सेम प्रोसेस से गुजरते हो, आप मीडियम्स को देखते हो कि ये मीडियम से हम किस किस तरह काम निकाल सकते हैं, यानी हम पेपर अगर यूज़ करें हम पेपर को किस तरह काम, पेपर से किस किस तरह का काम निकाल सकते हैं, हम अगर प्लास्टर ऑफ पैरिस यूज़ कर रहे हैं हम उससे किस तरह का काम निकाल सकते हैं, हम अगर कार्डबोर्ड यूज़ करें इस तरह डिफरेंट मीडियम से, हम डिफरेंट टेक्निक से हम किस तरह एक अच्छा काम निकाल सकते हैं. ये आप लोगों का फाउंडेशन ईयर होगा जो आप लोगों को स्टार्टिंग पे सबका सेम होगा. उसके बाद स्टार्ट होता है फाउंडेशन ईयर टू, यानी सेकेंड ईयर ऑफ फाउंडेशन. सेकेंड ईयर फाउंडेशन में हम लोग ये करते हैं कि अपनी फील्ड यानी आर्किटेक्चर वाले आर्किटेक्चर से रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर देते हैं. उसमें आप लोगों से बिल्डिंग्स बनवाई जाएंगी डिफरेंट, आप लोगों के आइडियाज़ कि आप लोग किस तरह की बिल्डिंग्स को आप लोग गो थ्रू करते हो, कि कौन सी आर्किटेक्चर बिल्डिंग बनाने में यह है कि आप लोग सिंपल एक स्केच नहीं करते, आप लोग एक एक चीज़ को गौर रखते हो कि किधर से हवा आएगी, किधर से पूरे घर के अंदर रोशनी का सिस्टम क्या होगा, हवा का सिस्टम क्या होगा, सीवरेज का निज़ाम, ये सारा कुछ किस तरह एक घर के अंदर आप लोग बैलेंस करते हो, ये बातें होती हैं. और सेकंड फिर आपसे फर्दर आगे जाके आप लोगों की जो थीसिस होंगी उसमें आप लोगों को मिनी हाउसेस बनाने होंगे, इस तरह के अपने प्रोजेक्ट बनाने होंगे, इस तरह का काम आप लोगों से करवाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आर्किटेक्चर वालों से. अब बात करते हैं एंट्री टेस्ट की. तो एंट्री टेस्ट मैंने पिछली वीडियो में जिस तरह बताया था आप लोगों से, स्टिल लाइफ ड्राइंग या स्टिल लाइफ, यहाँ आप लोगों से स्टिल लाइफ करवाई जाएगी. स्टिल लाइफ हो सकता है कोई मेज़ आगे रखा जा सकता है, चेयर मेज़ इन सब की प्रैक्टिस करें, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी एंट्री टेस्ट पास करें. और अगर फिर भी आप लोगों को स्टिल लाइफ से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बना दूँ. अब बात करते हैं कि इंटरव्यू की, इंटरव्यू की बेसिक टिप्स जो है कि आप लोगों का आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं लूज़ होना चाहिए. आप लोगों से जो सर आपसे सवाल करेगा आपने उन्हीं को देख के जवाब देना है और आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना. यार सबसे पहले ना इंटरव्यू में जाने से पहले, अगर रूम में जाने से पहले आप लोगों ने अपने आप से बात करनी है, अपने आप को कहना है कि यार ये जो जिनसे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो भी इंसान है, ठीक है, वो कोई भी एलियन नहीं है जिनसे मैं इतना डर रहा हूँ, वो कुछ भी नहीं करेंगे यार, उन्होंने बेसिक जो तुम लोगों को आता है उन्होंने उससे रिलेटेड तुम लोगों से सवाल पूछने हैं. मे बी वो तुम लोग से ये पूछें कि सादिकैन, हमने ये सादिकैन डिपार्टमेंट है तो सादिकैन डिपार्टमेंट किसके नाम पे है, ये हमने इसका नाम सादिकैन क्यों है, आप कुछ जानते हैं इससे रिलेटेड. वो आपसे आपके फेवरेट आर्टिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो है आपके फेवरेट इससे रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं. वो आपसे आपकी हॉबीज़ वगैरह इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस कर सकते हैं. अगर वो पूछे, अब मैं आपको इधर सादिकैन का जवाब दे दूँ कि सादिकैन एक आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के जिनके नाम पे यूओजी वालों ने अपने इस डिपार्टमेंट का नाम सादिकैन, उनके नाम पे सादिकैन का नाम है, ठीक है, ये आंसर हो गया. ये मैंने तुम लोगों को बता दिया इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड, ठीक है. अब बात करते हैं कि अगर वो सर आपसे पूछते हैं कि आप आर्किटेक्चर में क्यों आना चाहते हो तो आप लोगों ने इधर इस तरह का जवाब देना है कि
कोई अफेक्टिव आंसर करना, ठीक है। उन्हें इस तरह का नहीं कर देना कि जी सर हमें शौक है, नहीं सर हमें हमारे पेरेंट्स ने कहा कि ये फील्ड अच्छी है, इस तरह के जवाब नहीं देने। तुम लोगों ने बहुत एक अच्छा आंसर ढूंढना है कि जी सर हम अपने करियर बनाना चाहते हैं, इस तरह कुछ हो गया जैसे हमें लगता है कि पाकिस्तान में भी आर्किटेक्चर इतना इन नहीं है, तो हम इस फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान में आर्किटेक्चर को एक जगह दे सकें, कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह, यानी लफ्ज़ों को आगे पीछे करके कोई बहुत अफेक्टिव आंसर उनको उस वक्त देना, ठीक है। ये बात हो गई। और माइट भी पॉसिबल कि आप लोगों से ये क्वेश्चन, यानी आप लोगों का प्रोग्रेस बिल्कुल ठीक जा रहा है, आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो सारा कुछ। इधर ये भी बात है कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह का सवाल पूछा जिसका आंसर आप लोगों को क्लियर नहीं है कि ये होगा, तो या ये थोड़ा बहुत यानी उसके बारे में आपको पता है लेकिन डिटेल में नहीं पता, जो उन्होंने एग्जैक्ट पूछा वो नहीं पता, तो डायरेक्ट कह देना नहीं सर हमें इसका आंसर नहीं आता, ठीक है। इस तरह ना वो समझ जाते हैं कि बच्चा एक ऑनेस्ट है, यानी कि बच्चे को पता है कि मुझे नहीं आता तो वो साफ बता रहा है कि नहीं आता। वो ये नहीं कह रहा कि अगर आप करने लग जाओगे ना कि हमें सोच सोच के आर आर के जवाब देने लग जाओगे, इस तरह आप लोगों की इमेज ख़राब होगी और हो सकता है वो आप लोगों की एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दे, ठीक है। एक ये बात हो गई। ये बात आप लोगों ने नहीं करनी कि आप लोगों ने मतलब इस तरह होकर जवाब देने लग जाओ, उनको डायरेक्ट कह दो कि हमें नहीं आता। बाकी एक और बात है कि आप लोग जब इंटरव्यू दे रहे होगे ना, आप लोगों से ये सवाल ज़्यादातर से ज़रूर पूछा जाएगा। वो कहेंगे कि अगर आप लोगों को हम इस फील्ड की जगह हम आपको डिज़ाइन में कर दें, तो आप लोग एग्री हो कि हम आपको डिज़ाइन में कर दें। उधर आप लोगों ने डायरेक्ट कहना है कि नो सर हम एग्री नहीं है, जिसमें हमने अप्लाई किया है हमने उसी फील्ड में रहना है। इससे ये बात क्लियर उन्हें हो जाएगी कि आप लोग अगर आगे जो हम आप लोगों से काम करवाया जाएगा, यानी वो काफ़ी आप लोगों के लिए टफ मीडियम है जिसमें कभी आपने पहले काम नहीं किया, तो इसलिए वो समझेंगे कि आप लोग उससे भी कैरी कर पाओगे। अगर आप अभी अपने फैसले को नहीं चेंज करें कि आप लोगों को ऑफर भी की जा रही है कि आप चेंज कर लो, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हमने इसी फील्ड में रहना है, इससे उनको एक पता चल जाएगा कि बच्चे में पेशेंट है कि वो इस फील्ड को गो थ्रू कर सकता है। बस यही चीज़ें थी जो मैंने आपको क्लियर करनी थी, और आई होप कि तुम लोगों का एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू पास हो जाएगा।